ओबीएस कहानी नंबर 44 पतरस और यूहन्ना रे जरिए लंगड़े भिखारी के चंगा करना। एक दिन पतरस और यूहन्ना प्रार्थना करने खातर मंदरा विच गए, तब कुछ लोग एक लंगड़े भिखारी के लेके आए और तिन्हां ने से मंदरा रे बारे बिठाई था ताकि से आने जाने वाले लोगों से भीख मांग सको। जब तिन्हें पतरस और यूहन्ना मंदरा विच जाते हुए देखे तो से तिन्हां से भीख मांगने लग्या। पतरस ने तेस लंगड़े आदमी की तरफ देखा और बोलिया, ताखे देने खातर मांगे पैसे तो नहीं है, पर जो मांगे हाए स्यों ताखे देऊंगे। ईश्वर नावा ते उठ और चलने फिरने लग। एकदम परमात्मा ने से लंगड़ा आदमी ठीक करता और से और पोरे चलने फिरने कूदने और परमात्मा की स्तुति करने लग्या। मंदरा रे आंगना बीच खड़े दे लोग तेसके देखे कि चौंकी गए। लोग करी एक बड़ी भीड़ तेस आदमी के देखने खातर आई जो ठीक हुई गया था। पतरसा ने तिना के बोलिया कि तुसे इसके ठीक देखे कि चौंको मत, आसे ये अपनी शक्ति साथे नहीं किता ठीक, बल्कि से ईसु है जिन्हें ये आदमी अपनी शक्ति साथे ठीक किता, क्योंकि आसे ईसु पांदे भरोसा करू। से तुसे ही है जिन्होंने राज्यपाल पिलातुसा के बोलिया था कि ईसु के मार दे। तुसे से मारता जो सभी के जीवन देवा, पर परमात्मा ने से मर्यादा विच ते जिंदा किता। तुसे नहीं समझा कि तुसे क्या करने लगे रहे थे, पर जब तुसे तीना काम के करने लगे रहे थे तो जो भविष्यवक्ताओं ने बोलिया था से पूरा हुआ। तिना ने बोलिया था कि मसीह ने दुख उठाना और से मरी जाना, परमात्मा ने ये इस तरीके से होने दिता। इस खातर वे पछतावा करो और परमात्मा की तरफ मुड़ो ताकि से तुसर पाप तो एक साफ कर दो। जब मंदरारी यहूदी गुरुआ ने पतरस और यूहन्ना की गल्ला सुनिया तो से बहुत ज्यादा घबराई गए। इस खातर तिना ने से गिरफ्तार करी के जेला बीच बंद करते, पर पतरसरी गल्ला ते बहुत सारे लोगों ने यीशु पर भरोसा किया और तिना बीच लगभग 5,000 मर्द विश्वासी बन गए। दूजे दिन एड़ा हुआ कि सो यहूदी गुरु पतरस और यूहन्ना के महापुरोहित और दूजे धार्मिक गुरुआ सामने लेके आए। सो तेसा आदमी के भी लेके आए जो लंगड़ा था। तिना ने पतरस और यूहन्ना से पूछा, इस लंगड़े आदमी के ठीक करने की सामर्थ्य और अधिकार तुसा किने दिता? पतरसा ने जवाब दिता, ये आदमी जो तुसारे सामने खड़ी रहा ये यीशु मसीह की सामर्थ्य से ठीक हुआ। तुसे यीशु क्रूसा पर चढ़ाईता था पर परमात्मा ने से दोबारा जिंदा करता, तुसे से स्वीकार नहीं किया, पर यीशु मसीह के अलावा उद्धार पाने का और कोई दूजा जरिया नहीं है जिथे अस उद्धार पाई सकू। सतारवीं गुरु पतरस और यूहन्ना की गल्ला सुनी के चौंकिए थे। तिना ने देखा कि ये आम आदमी थे जो कि अनपढ़ थे, पर फिर तिना के याद आया कि ये आदमी ईश्वर साथे रहो थे। इस खाते तिना ने पतरस और यूहन्ना के बोलिया, अगर तुसे ईश्वर बारे च लोगों के कोई और समाचार सुनाया तो असें तुसा के खतरनाक सजा देनी। एड़िया बहुत सारिया गल्ला बोलने के बाद तिना ने पतरस और यूहन्ना डराई धमकाई के छड़ते।